राधे। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आपका स्वागत है हमारे इस व्लॉग में। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने अपने घर में छोटे से मंदिर को कैसे मैनेज किया हुआ है। आई होप आपको भी थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। अगर आपके पास मंदिर छोटा है, जगह थोड़ी है, तो आपको थोड़ी सी हेल्प शायद मिल सकती है। और आपको मेरा मंदिर कैसा लगा वीडियो देखने के बाद ज़रूर बताइएगा। और अगर अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं अपने मंदिर की। दिखाती हूँ मैं आपको मंदिर। ये देखिए, ये मेरी राधा कृष्ण जी की मूर्ति है, साईं बाबा। मैं आपको ये भी दिखाऊंगी कि मैंने कैसे रखे हुए हैं, कैसे मैनेज कर रहा हुआ है अपने छोटे से मंदिर को। ये मेरे लड्डू गोपाल, गौ माता, राधा कृष्ण। मेरे मंदिर में राम दरबार की कमी है, जो कि मैं बहुत जल्द लाने की कोशिश करूंगी। मेरी बहुत इच्छा है कि मैं अयोध्या जाऊं और वहां से एक छोटा सा राम दरबार मंदिर लेकर आऊं, राम दरबार की मूर्ति लेकर आऊं, सॉरी, और अपने मंदिर में रखूं। देखते हैं कब मेरी इच्छा पूरी होती है। ये सरस्वती जी, लक्ष्मी जी, श्री यंत्र। और मैं आपको भी दिखाऊंगी कि मैंने कैसे मैनेज किया हुआ है अपना मंदिर। ये मंदिर के ऊपर ये फोटो हमने फ्रेम कराई हुई है। इसमें सभी भगवान हैं, ज़्यादातर शिव जी हैं, कन्हैया हैं, गणेश जी हैं, पार्वती जी हैं। ऊपर छोटे से हनुमान जी भी हैं, शायद आपको दिखेंगे नहीं, लाइट आ रही है। और ये हमारे शिव पुराण, जो मेरे हस्बैंड रोज़ पढ़ते हैं। हमारे पास गीता नहीं है, लेकिन कहते हैं कि गीता को एक बार अपने जीवन में जरूर पढ़ना चाहिए इंसान को। एक बार में तो खैर समझ में ही नहीं आती है। मेरे पास गीता है नहीं, लेकिन मैं यूट्यूब पे यथार्थ गीता सुनती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और हमें जीवन में ज़रूर एक बार गीता पढ़नी ही चाहिए। चलिए, ये तो हो गई बातें। मैं आपको अपना मंदिर दिखाती हूँ। ये जो आप मंदिर में पीछे फोटो देख रहे हैं, ये राधे कृष्ण जी की, ये मैंने कंप्यूटर से निकलवा कर लगाई है। क्योंकि जब मैंने अपना मंदिर लगाया था पहले, तो मुझे पीछे से अपना मंदिर बहुत खाली खाली लगता था, तो बहुत अजीब सा लगता था, रौनक सी नहीं लगती थी। तो पहले मैंने सोचा कि लाल चुन्नी लगाती हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, लाल चुन्नी नहीं, मैं ऐसे फ़ोटो लगाऊंगी। आजकल तो एक से एक मंदिर आ रहे हैं, उनमें पीछे लाइटें होती हैं, ओम बना हुआ होता है, जो आप बनवाना चाहें वो बनवा सकते हैं। लेकिन ये मंदिर मैं खरीद चुकी थी, और अपने पॉकेट के हिसाब से इंसान काम करता है, वो मंदिर थोड़े महंगे पड़ते हैं। तो मैंने ये फ़ोटो लेकर कंप्यूटर से निकलवा कर इसे पीछे लगाया, और ये बहुत ही सुंदर लग रही है, बहुत ही सुंदर। सॉरी, मेरी उंगली आ गई। ये देखिए, ये राधा कृष्ण है। ये मैंने एक लकड़ी का जो फ्रेम होते हैं वो बनवाई हुई है, स्टेयर्स टाइप में दो रखे हुए हैं। ये बड़ा है और ये छोटा। बड़े वाले में मैंने बड़ी मूर्तियाँ, थोड़ी ऊंची हैं, बड़ी मूर्तियाँ रखी हुई हैं। ये मेरी साईं बाबा की मूर्ति है, और ये जो मेरे राधा कृष्ण हैं, ये थोड़ी बड़ी मूर्ति हैं। और ये जो छोटी मूर्ति है, ये मैंने छोटे उस पर रखी हुई है। आप भी अगर आपके मंदिर में छोटी जगह है, तो ऐसे दो दो या तीन लकड़ी के स्टेयर्स बना के अपने हिसाब से मूर्तियाँ रख सकते हैं। ये देखिए, ये मेरे लड्डू गोपाल ज़मीन पर नहीं बैठे हैं, मैंने इनको गद्दी पे बिठाया हुआ है, और सर्दियों में मैं इनको इनके पालने में बिठाती हूँ। ये देखिए, ये घंटी है, यहाँ पर मैंने अपना गंगा जल रखा हुआ है, ये विभूति है, इसमें हम कपूर और लौंग जलाते हैं जब हम पूजा करते हैं। तो दिया मैंने भोग कर रखा हुआ है। ये देखिए, बताइएगा आप सबको मंदिर कैसा लगा। और मंदिर से जो रिलेटेड सामान होता है, जैसे बत्ती है, लौंग है, सिंदूर है, चंदन है, ये सब मैंने मंदिर के इस ड्रॉअर में रखे हुए हैं। ये सभी सभी मंदिरों में होते हैं, चाहे वो लकड़ी का हो चाहे पत्थर का हो। इसमें टोकरी रखी है, मैंने ये सामान रखा हुआ है सारा। आप भी ऐसे मैनेज कर सकते हैं, सभी अपनी तरह से मैनेज करते हैं, क्योंकि किसी के पास छोटी जगह है, किसी के पास बड़ी है, अपने हिसाब से सब करते हैं। आप लोगों को कैसा लगा मेरा मंदिर ज़रूर बताइएगा। ये जो राधा कृष्ण की मूर्ति है, ये मैं वृंदावन से लेकर आई थी, मुझे ये बहुत ही प्रिय है, मैं वृंदावन जाती रहती हूँ। अगर आप में से कोई नहीं गया है, तो लाइफ में एक बार वृंदावन जरूर जाइए। मैं जाती रहती हूँ, ये कहना गलत होगा, मुझे भगवान बुलाते रहते हैं, ये कहना अच्छा होगा। तो
तो मुझे भगवान बुलाते रहते हैं अपने दर्शन के लिए, तो मैं जाती हूँ। और बहुत ज़्यादा ज़्यादातर जो कन्हैया की चीज़ें हैं मैं वृंदावन से ही लेकर आती हूँ। ये देखिए पीछे राधा कृष्ण का पोस्टर है। आप भी चाहे तो अपनी, चाहे लकड़ी का मंदिर हो चाहे पत्थर का मंदिर हो, आप ऐसे पीछे अगर कोई फ़ोटो भगवान की लगा लेते हैं तो बहुत ही अच्छी लगती हैं। ये जो बल्ब आप देख रहे हैं ये मैंने सेंटर में था, ये मैंने इधर इसलिए किया है क्योंकि जो मेरी मूर्तियां थी उनके पास लग रहा था और मेरी मूर्ति शायद इसके हीट से काली हो जाती, इसीलिए मैंने ये ऐसे रखा है। और रही नवरात्रों की बात, तो नवरात्रि हो या कोई बड़ा त्यौहार हो तो सभी अलग से चोटी लगाकर ही पूजा करते हैं, ऐसे ही हम भी करेंगे। और उसे अलग से चौकी लगाकर, चाहे जन्माष्टमी हो, जन्माष्टमी होती है तो हम अपने कन्हैया को अलग से चौकी पे बिठाकर फिर उनकी पूजा करते हैं, ऐसे ही माता रानी को अलग से चौकी पे बिठाकर फिर पूजा होती है। ये मेरा छोटा सा मंदिर आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। सरस्वती माता जी, लक्ष्मी जी, ये हमारी सरस्वती जी, लक्ष्मी जी, गणेश जी, श्री यंत्र, ये हमारे राधा कृष्ण, साईं बाबा, ये छोटी वाली मूर्ति जो हम शिरडी से लाए थे, माता रानी। मैंने बड़ी मूर्तियाँ इसी वजह से नहीं रखी हुई हैं क्योंकि मेरे पास जगह की थोड़ी सी कमी है, फिर भी अपनी तरफ से मैंने मंदिर को बहुत अच्छे से मैनेज किया हुआ है। अगर आपको ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो थोड़ा सा भला मेरा भी हो जाएगा। चलिए मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।